ऐसे ऐसे गिदड़ के शिकार नहीं करते, वो शेर जो होता है शेर होता है, वो गिदड़ों के शिकार नहीं करते कभी। मोदी गिदड़ की शिकार नहीं करता, शेर है शेर की तरह है। इतना ज्ञान लाते कहां से हो? अभी भैया कह रहे थे, पता क्या, अभी अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर। भाई साहब तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो। एक मजबूत नेता है, कैसे मजबूत है, कैसे मजबूत है वो, डबल इंजन, डबल इंजन भाई साहब, डबल इंजन उस रेलगाड़ी में लगता है जिसका पहला इंजन कमजोर होता है। ठीक है, कैसे कहोगे कि तुम हिंसक को, हिंदू को हिंसक बताओगे, हिंदू को हिंसक बताओगे, हिंदुओं के बारे में बोलोगे नहीं, कौन हिंदू तुम्हें वोट देगा, क्या बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में फैली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, जिंदगी जल्द पटरी पर लोगे, अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित है, हिंदुओं का नाम नहीं लिया सारे दिन हिंदू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज जो है हमारा कारवां दिल्ली के लाल किला पहुंच चुका है। हमारे पीछे जो है लाल किला है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में वहां से भाषण दिए, लाल किला की प्राचीर से करीब 98 मिनट का भाषण। और ये भाषण ऐसा अपने आप में जो है ऐतिहासिक बताया जा रहा है, सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बने। बातचीत करेंगे कि जनता ही जनार्दन होती है, सब कुछ जानती है, किसी से छुपा नहीं होता है। शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। शर्मा जी सबसे आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ रहे हैं और आपके ठीक पीछे लाल किला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 98 मिनट का भाषण आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या कुछ नया सुनने को मिला आपको? नया सुनने को क्या मिला, नया सुनने को सिर्फ ये मिला पिछली बार के झूठ से और ज़्यादा बड़ा झूठ, 2022 के झूठ से 2023 का झूठ उन्होंने बिता दिया और 2023 से जाएगा 2024 का। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करते हैं महिलाओं से, महिलाओं के ऊपर बात करी उन्होंने, महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की अस्मिता पे कोई भी अगर वार करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे, भूल गए, किसी भी राज्य की हो किसी भी सरकार हो, साथ में उन्होंने ये भी कहा, लेकिन यही भूल गए, याददाश्त कमजोर हो गई है मोदी जी की, सबसे बड़ी बात तो दिक्कत ये हो गई। उनसे 4 या 5 दिन पहले उनको याद होगा हरियाणा में उनके जो है आसाराम राम रहीम, आसाराम को भी छोड़ दिया, हालांकि 7 दिन की पैरोल तो आसाराम को भी दे दी, राम रहीम को भी फिर से पैरोल दी गई है। पिछले 4 साल में उसे 7 महीने जो है जेल से बाहर रखा गया है, बलात्कार का आरोपी है ना, 7 दिन पहले ही छोड़ा है। और बात करते हैं महिला अस्मिता की, इससे पहले अगर बात करी जाए 2022 के उसमें उद्बोधन की, तो 2022 में उन्होंने आज जिस दिन यहाँ पे बात करी थी महिला अस्मिता की, उसी दिन इनके गुजरात प्रदेश में बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारियों को छोड़ दिया गया था, मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली और वही हाल है। अब इन्होंने और बढ़ चढ़ के 7 दिन पहले छोड़ा गया बलात्कारी को, बिल्कुल नहीं बोले उसको, क्यों छोड़ा गया भाई, किस बात पर पैरोल दी जा रही है, बलात्कारी आदमी है, हत्या का उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसे फिर से पैरोल दे दी गई है और बकायदा पुलिस उसे एस्कॉर्ट करके उसके वहां तक छोड़ के आती है। अपराधी की देखो कितनी सुरक्षा करी जा रही है, सारा देश देख रहा है कि अपराधी है, बलात्कारी है, खूनी है और उसकी पुलिस एस्कॉर्ट में जाके उसे उसके आश्रम तक छोड़ के आती है। और बात करते हैं मोदी जी महिला अस्मिता की, कितनी बढ़िया अस्मिता है भाई साहब, कितनी शानदार अस्मिता है, ऐसी अस्मिता पे ध्यान रखेंगे भाई, कठुआ पे कभी नहीं बोलते, उन्नाव पे कुछ काम करने वाले को लेकर के उन्होंने बोला है कि सख्त से सख्त जो है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई ये हुई है कि पिछली बार 40 दिन की पैरोल मिली थी उसे, इस बार 21 दिन की मिली है, 19 दिन की सख्त कार्रवाई कर शुरू कर दी ना, 4 सालों में 7 महीने भाई साहब, 7 महीने कम नहीं होते। कलकत्ता में जो हो रहा वो दिख नहीं रहा आपको? बिल्कुल दिख रहा है साहब, कलकत्ता में जो हुआ हम उसके लिए दुखदाई है, किसी भी बहन बेटी के साथ कहीं भी, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे वो गैर बीजेपी शासित राज्य हो, कहीं भी हो अगर बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है मैं उसके खिलाफ हूँ। अब रही बात कोलकाता की, खूब आजकल ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है, 9 तारीख को ये हरकत हुई, 10 तारीख को 12 घंटे में सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, अपराधी पकड़ा गया जेल की सीखों के पीछे है। उसके बाद ममता बनर्जी ने वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है जी पुलिस इसमें कोई कोताही ना बरते, जो भी हैं अपराधी उनको पकड़ा जाए धकड़ा जाए, और उसके बाद उन्होंने खुद सीबीआई की सिफारिश करी, उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला सीबीआई की सिफारिश करी कि सीबीआई जाँच इसमें होनी चाहिए। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री से हम यही अपेक्षा कर सकते हैं, उन्होंने करा कदम उठाए, अच्छा लगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ अब इसी को पलट के आप देखा जाए, अभी सेम इन्हीं के जात जो इनके गठबंधन के साथ ही हैं नीतीश कुमार जी, बिहार में 12 साल की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, क्योंकि वो स्वधर्मी है दोनों के दोनों, कहीं आपने कहीं किसी को ने आधे से ज़्यादा तो क्या कह रहा हूँ, कम से कम 80% लोगों को तो यहाँ पता भी नहीं है कि बिहार में भी 12 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ है। रेपिस्ट जो था उसने 50 बार, लेकिन सब चुप है, टोटल मीडिया चुप है, क्यों? क्योंकि उनसे बैसाखी का सहारा ले रखा है। तब मोदी जी को याद नहीं आता ये सब चीज़ें, एक तरफा की याद आती है, सिर्फ एक उन्हें बंगाल दिखता है, तो उन्हें महिलाओं का दिख्त तो महिलाओं यार 12 साल की बच्ची क्या मतलब महिला महिलाओं के सम्मान का दिख्त तो ये सम्मान है, ये सम्मान है, 12 साल की बेटी के साथ सेम दर्द दरिंदगी हो रही है। उनका ये कहना है शर्मा जी, उनका ये कहना है कि अपराधी कैसा भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए, तो उनका तो ये कड़ी कार्रवाई का संदेश देकर रहे हैं, उन्होंने कहा हर राज्य सरकार हो, तो अपने हरियाणा में आज की डेट में बीजेपी की सरकार है, क्यों आपने बीजेपी नायब सिंह सैनी को साहब को बोला नहीं कि भाई क्यों इसे बार बार पैरोल दे रहे हो,
चलिए ठीक, क्यों क्यों बैरोल दे रहे हो? महिलाओं पे जो है हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है, हाँ देखिए आ गए, ये जवाब देंगे आपको बखूबी। सवाल मेरा ये है, सुन लीजिए शर्मा जी, सवाल ये है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो बोले, आपके मन में क्या चल रहा था, आप क्या सुनना चाह रहे थे उनके मुख से? मैं तो देखिए जी साफ साफ बात बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात, मैं प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं सुनता, ना उनकी मन की बात सुनता, ना उनकी यहाँ की बकवास सुनता। अगले दिन अखबारों में जो छप जाता है वो पढ़ लेता हूँ, बाकी ऐसे लोग बता देते हैं, अब ये सारी अच्छाइयाँ गिना देंगे, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, वैसा कहा, वैसा कहा, सीधी सी बात है। मैं अपने कान खराब नहीं करता साहब, मैं अपने कान खराब नहीं करता, मुझे पता है उन्होंने वो लंबी लंबी छोड़नी है, मुझे वो लंबी लंबी हजम नहीं होती साहब, मेरा पेट खराब हो जाता है क्या करूं। अब उन्होंने 2047 का सपना दिखा दिया, 2024 में आप देखो प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का उन्होंने वादा करा है, आज हमारे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मात्र 2,16,000 रुपये पर कैपिटल इनकम है, और उस प्रति व्यक्ति पे कर्जा कितना है, 1.5 लाख रुपये, जो विदेशी कर्जा है हमारा 205 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, अगर उसे प्रति व्यक्ति से बांटा जाए तो आज की डेट में हर एक आदमी यहाँ जो खड़ा है उसके सर पे 1.5 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा है, और 2,16,000 रुपए उसकी आय है, हुआ कितना, बची गया भाई साहब 2,16,000 में से 1.5 लाख घटाना, क्या बचा उसके हाथ में, 66,000 रुपए, 66,000 रुपए घर परिवार पाल लेगा, कैसे आय दोगुनी करी, कर्जा दोगुना, तीन गुना करा। चलिए ठीक है, हाँ क्या आपके पेट में भी ये बात पची कि आपका भी हाजमा खराब हो गया? हाजमा तो इनका 15 साल अब तीसरी टर्म लग गया, हाजमा खराब हो गया, इनको देश के विकास, देश के काम कुछ नहीं दिखता, और ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं सबका असलियत चेहरा सामने आ रहा है। इसी संदर्भ में गुंडकी एक समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर था, उन्हें लिखा था, बहुत बढ़िया श्लोक लिखा था, मैंने कह रहा था, उन्होंने कहा था, उन्हें कहा था, काजू भुना प्लेट में, भिस्की गिलास में है, और असली समाजवाद का क्या निवास है, वो विधायक निवास में है। तो ये जितने ये यहाँ ये शर्मा जी कर रहे हैं इनको रास नहीं आ रहा है, आज ये कहाँ गए राहुल गांधी, कहाँ गया अखिलेश, और कहाँ गया RJD, और कहाँ गया टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्टियाँ, सब कहाँ बिल में छुपे हुए हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है तो तुम्हारे मुँह सिल जाते, जब बंगाल में डॉक्टरों के साथ ये घटना होती है तो अब राहुल गांधी बिल से निकल के कहता है, सुनो 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 सुनो, जब 10-12 साल की लड़कियों के साथ अगर वहाँ होती है घटना तो बिल में छुप जाते हैं। अरे कहाँ छुपाओगे, ये देख लिया, मैं सब देख लिया, आज इन लोगों को देश के सामने मुँह खोलने की नीयत नहीं है, जो सच्चाई कहने की नियमत नियत नहीं है, इनको विपक्ष में इसलिए बिठाया था कि देश में जो ज्वलंत व्यवस्था है उसके बारे में उठाओ, लेकिन ये नहीं उठाएंगे। अब आज कारण है यही कि परसों जाने वाले हैं अपनी नागरिकता के संदर्भ में कोर्ट में जाने वाले हैं ना राहुल गांधी जी, आप शर्मा जी ये बात नहीं बता, आप नेता हिंदुओं की बात करिए, कल हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में फैली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, जिंदगी जल्द पटरी पर लोग, अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित हैं, हिंदुओं का नाम नहीं लिया, सारे दिन हिंदू हिंदू करते हैं मीडिया में, तो चल रहा है अल्पसंख्यक है कौन, वहां अल्पसंख्यक है कौन, खतरे में है, सारे दिन हिंदू हिंदू करते हैं, पूरी पार्टी हिंदू हिंदू करती है, उनके सारे ऐसे चमचे हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हाँ वहां के हिंदू जो है वो खतरे में है, अल्पसंख्यकों का नाम लिया, जो अल्पसंख्यकों की बात उन्होंने करी थी राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी के, कि अल्पसंख्यक वहां पे खतरे में, वहां हिंदू भी खतरे में, सिख भी खतरे में, थोड़े बहुत जो रहने वाले हैं ईसाई भी वहां पे खतरे में है, जिनकी बात उन्होंने सेम उठा के चेप दिया, अरे भाई नकली मारनी तो आप क्या करोगे फिर, आप ले लीजिए आज अगर जानते हैं प्रधानमंत्री और देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि बंगाल में अल्पसंख्यक कौन है, सिख ईसाई हिंदू वही है ना, हिंदू नाम क्यों नहीं लिया, क्या हिंदू नाम क्यों नहीं लिया, हिंदू नाम लेते ना तो सबसे पहले आप ही आग लगा देते देश में, आज मैं पूछता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं सुना सुनो, जब फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट में कह सकता है ओबीसी, तो आज हिंदू के लिए क्यों नहीं बोलेगा कांग्रेस, क्यों नहीं, इसी हिंदू के तलवे चाटेंगे और हिंदू के वोट मांगने जाएंगे, लेकिन हिंदू को विरोध करेंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे, एक मिनट, इन्होंने फिलिस्तीन की बात करी ना कि फिलिस्तीन मतलब हमारा मित्र देश नहीं है, ठीक है जी, तो मोदी जी ने भी उसे $25 लाख की सहायता क्यों भेजी है, बस ये बता दीजिए,
चलिए नॉलेज। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए तो मैं ये कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी गए थे लाल किला पर, देख करके आपके मन में क्या चल रहा था? बढ़िया है, जाना चाहिए, जो स्थान मिला उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो आगे की सीट होती है प्रोटोकॉल के आधार पर जो मिनिस्टर होता है कैबिनेट के, उसका दायित्व जो होता है, उसका कद जो होता है विपक्ष के लीडर से बड़ा होता है, इसलिए वो आगे बैठे थे, उनको तकलीफ हुआ, उनको पीछे बैठने बड़ा दुख हो रहा है। अरे वो तो इस लायक है कि उस पर जाने लायक भी नहीं है, जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बात नहीं करे, क्या बात करते हैं, जाने लायक नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब इनके प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटोकॉल सुनिए, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है होती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है उसे शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री से कमतर नहीं होते। आज अगर आप 240 सीट लेके और साथ में दो बैसाखियों का सहारा लेके सत्ता में बैठे करना चाहिए, अरे प्रोटोकॉल वाला काम तो करो, सरकार में वो है कि तुम हिंसा को, हिंदू को हिंसक बताओगे, हिंदू को हिंसक बताओगे, हिंदुओं के बारे में बोलोगे नहीं, कौन हिंदू तुम्हें वोट देगा, क्या बात करते हैं, लाल किले पर लौटाओ। कुछ नहीं है साहब, अपनी नीच ओछी छोटी सोच का, मैं कह रहा हूँ अगर उनको जगह मिल गई पांचवी लाइन में भी तो इसमें तकलीफ क्या है, जगह जहां मिल गई उसमें क्या नहीं, जगह जहां मिल गई तो मिल गई। अगर ये बात हम गए प्रधानमंत्री वहां से उतर के यहां आ जाके नीचे खड़े होकर भाषण क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, नहीं दे सकते ना, जो जगह निर्धारित है वहीं जाएंगे ना, जिसकी जैसी निर्धारित होती है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, हाँ जी, रक्षा मंत्रालय ने इस पर सफाई दिया है, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है जो जीत कर आए हैं उनका भी सम्मान करना जरूरी है, तो आगे बैठे थे उस पंक्ति में जो है। देखिए रक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है, भाजपा सरकार के अंतर्गत, रक्षा मंत्री किसके हैं, भाजपा के, तो उन्होंने तो सफाई करनी करनी है। एक गडरिया जो होता है ना वो अपनी भेड़ों को एक डंडे से हाँक देता है, भेड़े जो होती हैं वो सोचती नहीं है, समझती नहीं, जिधर को हाँक दिया उधर को चल देंगी, ऊपर से डंडा आता है सारे के सारे गडरिये जितने मिलकर और सारी भेड़ों को हाँकना शुरू कर देते हैं, सारी भेड़े ऐसी 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 सारी एक तरफ चलनी शुरू कर देती हैं, बता रहा हूँ ना, समझते नहीं है चीज को। जो शेर होता है ना ऐसे ऐसे गिदड़ के शिकार नहीं करते, वो शेर जो होता है शेर होता है, वो गिदड़ों के शिकार नहीं करते कभी, मोदी गिदड़ की शिकार नहीं करता, शेर है शेर की तरह है, और राहुल गांधी जैसे जिस तरह का उसका आचरण है, जिस तरह का व्यवहार है, वो विपक्ष में भी नहीं बैठेगा अगले साल, 9 सीट पर सिमट जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये इल्जाम लगाया कि जो है राहुल गांधी जी से नजरें चुराते हैं इसलिए उनको पीछे भेज दिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जाहिर बात है अभी पीछे आपने देखा था जो चाय पे चर्चा हुई थी, उनके कौन में मोदी जी का चेहरा देखा था आपने, घुटनों तक लटका हुआ था और राहुल गांधी हंस रहे थे। डरते हैं मोदी जी उनका सामना करने से, अगर नहीं डरते होते, ये 56 इंची कथित 56 इंची कथित 56 इंची अगर नहीं डरते होते तो इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था आ जाइए मेरे साथ एक डिबेट कर लीजिए, क्या डिबेट करने की उनकी हिम्मत हुई? डरपोक हैं, कायर हैं, आज तक 1.25 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर जाने की हिम्मत हुई नहीं जा पाए। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, तीन लोकसभा सीटों पे अपना इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए बीजेपी, ये प्रधानमंत्री हमारे डरते हैं, नहीं करते ना, तो ये डरपोक हैं, साफ सीधी बात है। कौन डरता है कौन नहीं डरता है, राहुल गांधी के औकात अनुराग ठाकुर ने दिखा दिया कि तुम कितने पानी में हम कितने पानी में, मोदी को तो छोड़ दो और हमने जम्मू कश्मीर फिर भी 2 सीट लाए, आपको तो अंडा मिला, आप अपनी देखो पहले, कश्मीर की बात हो रही है करो, रही बात इनकी राहुल गांधी अनुराग ठाकुर की जो बात कर रहे हैं। हाँ मेरा छोटा सा सवाल है, एक मिनट आप भी जवाब दीजिए उस पर, राहुल गांधी जब धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या लगता है आगे उम्मीदें कैसी हैं आप लोगों की? देखिए जी, मैं तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखता हूँ और मुझे पता आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री वो हैं। और आप क्या देखना चाहते हैं? वो जितने 99 लाए ना 36,000 किलोमीटर दौड़ के, अब अगले बार में उनको 9 ही मिलेगा, 9 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री की सपना तो दूर, 9 पर ही सिमट जाएंगे। मतलब 9 आप कैसे बता कैसे सकते हो, अरे इतना क्या लाते कहाँ से हो? अभी भैया कह रहे थे, पता क्या अभी अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर, भाई साहब तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो, ठीक है? मतलब मतलब ये कि मजबूत नेता है आप, कैसे मजबूत है, कैसे मजबूत है वो, डबल इंजन, डबल इंजन, भाई साहब डबल इंजन उस रेलगाड़ी में लगता है जिसका पहला इंजन कमजोर होता है, ठीक है? कैसे कहोगे? मोदी वो है जो P7 के इंजन में चलता है, P7 लगा हुआ है उसमें, वो बंदा है जो वो गांधी नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, जो बैठा करके और उग्रवादियों को पार्लियामेंट बैक टू बैक एक पटरी पर 5-5 रेलगाड़ी दौड़ाता है, ठीक है? बरसात के मौसम में किसी ने सपने देखे होंगे, मतलब जो लोको पायलट है ना उसने सपने देखे होंगे बाइक पे बैठ के मैं भीग के राइड करूंगा, बंदा ट्रेन का इंजन चला रहा छतरी लगा करके, बस क्या ही बात है। आज चला भी, आज सुनो, आज 150 किलोमीटर स्पीड में वंदे भारत भी लाने वाला मोदी है, जो ये अपने कांग्रेस 50 साल में कांग्रेस कभी ऑटोमेटिक इंजन नहीं चला पाई 2 किलोमीटर, आज मोदी के राज में चल रहा, ये क्या बात करेंगे ये।